पहले मैंने एक दुपट्टा लिया है, इसे मैं फिक्स करूँगी विद द हेल्प ऑफ पिन, जो काटी बोलते हैं उसे नल्ड कर मैं इसको फिक्स करूँगी, जो इंस्टेंटली हो जाता है। और मैंने यहाँ पे ट्रेडिशनल लुक के लिए मैंने यहाँ पे चुंदरी प्रिंट का सिलेक्शन किया है। आप किसी तरह का भी दुपट्टा ले सकते हो, लहरिया ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उस तरह का आप दुपट्टा ले लो, या 2 मीटर के कपड़े ले लो और अपने पूजा स्पेस के बैक पे ऐसे पिन कर लो। स्ट्रिंग लाइट लूँगी जो इस तरह का है, और ये मैं अमेजोन से ली थी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। दिवाली में आप किसी तरह का भी लाइट लेते हो तो उसको आप रीयूज़ कर सकते हो, तो कोई भी लाइट आप लो। इस तरह से मैं हैंग कर रही हूँ जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। मैंने सेम नेल्ड पिन में ही इसे हैंग कर दिया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम ज्योति और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ इंस्टेंट पूजा डेकोरेशन। फ्रेंड्स, फेस्टिवल सीजन आ गया है, अब पूजा रूम और पूजा स्पेस को सजाना तो बनता ही है। आजकल तो सब वर्किंग होते हैं, उन्हें डेकोरेशन तो पसंद है पर टाइम नहीं मिलता। बस ये वीडियो उनके लिए है, आपके लिए और सबके लिए है। ये वीडियो आपके पूजा रूम और पूजा स्पेस को डेकोरेट करने में बहुत ही हेल्प करेगा। अब मैं इसे इलेक्ट्रिक से कनेक्ट कर दूँगी। अब मैं ये वाले बेल यूज कर रही हूँ और उसी क्लिप में मैं इसे हैंग करूंगी। आप इसे कितनी बार भी यूज करो ये खराब नहीं होता है। इसको वॉश करो फिर हैंग कर दो, फिर वॉश करो फिर हैंग कर दो। रीयूजेबल है, मल्टीपर्पस है ये। बेली का हैंगिंग है, आप इसकी जगह मेरी गोल्ड का हैंगिंग यूज़ कर लो, या आप ओरिजिनल फ्लावर से भी हैंग कर सकते हो। इस टाइप के हैंगिंग आपको अमेज़ॉन में मिल जाएंगे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब मैं सारे बेल्स लगा ली हूँ और आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, ये एकदम ओरिजिनल लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर मैं आर्टिफिशियल स्लिप्स लगाऊंगी जिसके कारण ये थोड़ा सा हाइड हो जाए, और नेल किया हुआ पिन इस तरह से कुछ मैं आर्टिफिशियल स्लिप्स लगा रही हूँ। आर्टिफिशियल फ्लावर भी मैं ऐड कर रही हूँ। ये फ्लावर कोई भी बुक के से निकला हुआ फ्लावर है और मैं इस तरह से यूज़ कर रही हूँ इसे। फ्लावर को मैं कुछ इस तरह से अरेंज कर रही हूँ और इसे फिक्स करने के लिए मैंने डबल टेप का यूज़ किया है। अब मैं पूजा डेस्क पे कलरफुल क्लॉथ लगाऊंगी और अपने भगवान जी को स्थापित करूंगी। ब्यूटीफुल बैकड्रॉप से ही आपका पूजा स्पेस का लुक एकदम चेंज हो जाता है। आप इसे गणपति पूजा, जन्माष्टमी और दिवाली में कर सकते हैं। ऐसे ही ब्यूटीफुल पूजा डेकोरेशन आइडिया का वीडियो मैंने और भी किया है जिसे मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। सो गाइस, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पूजा से रिलेटेड बहुत कुछ आने वाला है मेरे चैनल पे, स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय बाय।